हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका टाइटल है बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जनरली पूछा जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, तो उस पर है ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन केस आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है तो आप इंटरव्यूअर को डायरेक्टली टूल्स का नाम ना बताएं, फॉर एग्जांपल कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर। उससे बेटर रहेगा आप उससे पहले ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल टूल्स तीन पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। पहला आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हैंड टूल है, दूसरा पावर टूल और तीसरा है मेजरिंग टूल। अब उसके बाद उसके नीचे का एग्जांपल आप उसको बताना शुरू करें। फॉर एग्जांपल हैंड टूल में टेस्टर, प्लायर, ईटीसी, पावर टूल में ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और मेजरिंग टूल में मल्टीमीटर, मेगर, ईटीसी। नेक्स्ट हम लोग हैंड टूल में कौन कौन से टूल्स इंक्लूड किए जाते हैं उसे देख लेते हैं डिटेल्स में। मोस्ट बेसिक हैंड टूल है टेस्टर, तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट में सप्लाई है या नहीं है उसे चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्क्रू ड्राइवर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइड रेंज ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स है क्योंकि जो स्क्रूज होते हैं उनका डायमेंशन अलग अलग होता है। नेक्स्ट है प्लायर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल तीन डिफरेंट टाइप्स के प्लायर हैं। लेफ्ट साइड वाला है कॉम्बिनेशन प्लायर, सेंटर वाला है नोज प्लायर या फिर उसे आप नीडल प्लायर भी कह सकते हैं, और जो लास्ट वाला है वो है वायर कटर। नेक्स्ट है वायर स्ट्रिपर, तो जैसा कि नाम बता रहा है वायर के ऊपर जो इंसुलेशन रहता है उसे रिमूव करने के लिए हम लोग वायर स्ट्रिपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एलंकी सेट। नेक्स्ट टूल है हैमर एंड चिसल, जनरली पैनल में या फिर केबल ट्रंस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सा ब्लेड, केबल कट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लो टेंशन एंड हाई टेंशन का इंसुलेशन टेप, जो कि इलेक्ट्रिशियन के पास कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टूल है स्पैनर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पैनर्स हैं। लेफ्ट साइड से अगर देखें तो पिन फेस एडजस्टेबल स्पैनर, उसके बाद ओपन एंड स्पैनर जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है टी सॉकेट स्पैनर, उसके बाद सॉकेट स्पैनर है, उसके बाद रिंग स्पैनर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बॉक्स स्पैनर, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्पैनर, हुक स्पैनर एंड लास्टली एडजस्टेबल स्पैनर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो तीन स्पैनर हमने देखे ओपन एंड रिंग एंड एडजस्टेबल, ये कॉमनली आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है बॉक्स स्पैनर सेट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें डिफरेंट साइज़ के बिट्स होते हैं जो कि नट बोल्ट को ओपन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, तो ऊपर से अगर देखना शुरू करें तो पहला है ट्रायंगुलर फाइल, उसके बाद राउंड फाइल, नेक्स्ट हाफ राउंड फाइल और लास्ट में फ्लैट फाइल, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड लास्टली डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिम्पिंग टूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया हैंड टूल्स। नेक्स्ट आते हैं पावर टूल्स पे। पावर टूल का पहला एग्जांपल है हाइड्रोलिक केबल कटर। पिछले पार्ट में हमने देखा था हेक्सा ब्लेड जो कि केबल को कट करने के लिए यूज़ किया जाता था मैन्युअली, तो उसे रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोलिक केबल कटर आया है। नेक्स्ट सेकंड है हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल, तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था जो मैनुअल क्रिम्पिंग टूल था उसका रिप्लेसमेंट है ये हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल। सो हाइड्रोलिक केबल कटर और हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल से जो काम है वो काफ़ी आसान और काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो ये रिप्लेसमेंट काफ़ी बेटर है। थर्ड है ड्रिलिंग मशीन, तो इसका एप्लीकेशन आपको पता है, जहाँ पे भी आपको होल करना है, हो सकता है वॉल हो या फिर पैनल हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट है ग्राइंडर, तो इसका एप्लीकेशन भी सिंपल है, जो भी सरफेस रफ है उसको प्लेन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फाइनली हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, दैट इज द मेजरिंग टूल्स, तो इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। मेजरिंग टूल का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है दैट इज़ मल्टीमीटर, तो ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट हर इलेक्ट्रिकल एसोसिएट आदमी के पास होना चाहिए। इस टूल के हेल्प से आप वोल्टेज, ECDC, मिली वोल्ट्स, रेजिस्टेंस, उसके बाद कंटिन्यूटी और करंट का वैल्यू इजीली देख सकते हैं। और इस पर एक सेपरेट वीडियो है सेम फ्लूक मल्टीमीटर पे, जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लैंप मीटर, तो इसे आप मल्टीमीटर का रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि जो हायर लेवल्स ऑफ करंट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देख रहा होगा ऑलमोस्ट 600 एम्प्स, उसे भी आप मेज़र कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली मल्टीमीटर में पॉसिबल नहीं है। मल्टीमीटर में आप मैक्सिमम 20 मिली एम्प्स तक करंट चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे एडिशनल फीचर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है मेगर, सो मेगर के हेल्प से किसी भी इक्विपमेंट का आप इंसुलेशन लेवल चेक कर सकते हैं वो यूज़फुल है या नहीं, लेट इट बी ट्रांसफार्मर, मोटर या फिर पावर केबल। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है लो टेंशन मेगर, जिसका टेस्ट वोल्टेज ओनली 1000 वोल्ट तक लिमिटेड रहता है, बट वो सफिशियंट है। इन केस हायर वोल्टेज का अगर कोई इक्विपमेंट है उसका इंसुलेशन आपको चेक करना है तो आपको हाई टेंशन मेगर पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसका टेस्ट वोल्टेज 0 से 5000 वोल्ट तक जाता है,
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल है ईएमसी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मोटर चेकर। सो इस टूल के हेल्प से आप मोटर के इंडक्टेंस रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस तीनों को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। सो इस पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाके देख सकते हैं कैसे ईएमसी को यूज़ किया जाता है, कैसे इसके वैल्यूज़ को सेट करते हैं प्रॉपर डिटेल में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अर्थ टेस्टर, या फिर अर्थ ग्राउंड टेस्टर भी कह सकते हैं आप। सो इस इक्विपमेंट के हेल्प से अर्थ का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है, स्पेशली अर्थ पेट के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते समय इसे यूज़ करते हैं। सो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज लैम्प टेस्टर, तो ये एक कंटिन्यूटी चेक करने का सिंपल सा इक्विपमेंट है जो कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों केस में प्रॉपरली काम करेगा। नेक्स्ट है मेजरिंग टेप, और इसका एप्लीकेशन जनरली केबल लेइंग के समय होता है, कितना लेंथ का केबल हमें ले करना है तो वहाँ पे आपको मेजरिंग टेप का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो फाइनली हम लोग आते हैं अपने लास्ट मेजरिंग टूल पे, दैट इज़ ऑटोमेटिक लाइन टेस्टर। सो ये पर्टिकुलर टूल आपको ये बता देगा कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे कितना वोल्टेज है बिटवीन 0 to 415। सो जिस चीज़ से हमने शुरू किया था उसी चीज़ से एंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले पार्ट पे सिर्फ आपको बताता था कि वहाँ पे वोल्टेज है या नहीं है, पर यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू भी दे देगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू।